अभी जो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, 111111111, यानी कि 11 करोड़, 11 लाख, 11,111, इस नंबर को अगर हम इस नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 11 करोड़, 11 लाख, 11,111, इसी से ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको पता है? इसका आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना ही नहीं है, और भी है, 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें कुछ आपको अजीब लगा? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक असेंडिंग ऑर्डर्स में जो डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 से लेकर 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये एक ही ऐसा नंबर है जिससे हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये यूनिक नंबर मिलता है। अजीब फैक्ट है ना इस नंबर। क्या आपको पता है दुनिया में शहद ही यही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों सालों तक खराब नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि हजारों सालों तक खराब नहीं होता। इसका अनुमान हमारे वैज्ञानिकों ने एक खोज में लगाया है, जहाँ पर इजिप्ट के एक पिरामिड में एक कब्र में शहद पाया गया था। जब वैज्ञानिकों ने उसे गर्म करके चखा तो वो उतना ही स्वादिष्ट था जितना कि एक साधारण शहद का स्वाद होता है। जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता। अजीब फैक्ट है ना। क्या आप जानते हैं कि रात में जो तारे आप देखते हैं वो एक्चुअल में तारे होते हैं? जी नहीं, एक्चुअल में वो तारे नहीं होते। अब आप बोलोगे कि फैक्ट्रेन, अब ये क्या बोल रहे हो, लेकिन जरा ठहरिए, इसका फैक्ट अभी आपको पता चल जाएगा। आपको तो पता ही होगा, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके अनुसार हम रात में जो तारे देखते हैं वो तारे वहाँ पे नहीं होते हैं, बल्कि वे कई और जगह होते हैं। यानी कि हमें जो दिखता है वो उनके द्वारा छोड़ा गया कई लाख प्रकाश साल पहले का प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि एक्चुअल में तारे तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इसका मतलब है तारे जो होते हैं वो तारों हमें इतने छोटे साइज में दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में तारों का साइज आपको एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी सूरज जितना बड़ा है उससे कई ज़्यादा बड़े हमारे तारे होते हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े तारे भी होते हैं जिसका सिर्फ प्रकाश हमें दिखता है और एक्चुअल में वो वहाँ पे नहीं होते। अजीब फैक्ट है ना, जो एग्जिस्ट होता ही नहीं उसके बारे में हम एक्चुअल में रियलाइज़ करते हैं। क्या आपने स्टारफिश ये नाम कहीं सुना है? ऑब्वियसली स्टारफिश ये आपने सुना ही होगा। ये एक समुद्री मछली है जिसका नाम स्टारफिश है, जिसे हम स्टारफिश के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है कि इसके पास दिमाग नहीं होता? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसी मछली जिसके पास दिमाग नहीं होता। पर यह मछली अपनी त्वचा से आसपास के हलचल को, यानी आप उस पास के जो भी हलचल या फिर माहौल हो उसको अपनी त्वचा से समझ लेती है। इसकी त्वचा में ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो आसानी से अपने दिमाग की तरह पहचान लेती है और इसी तरह से वो अपना जीवन बिताती है। सो आपको इस वीडियो में कौन सा फैक्ट अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो आपको मिलती रहे।